जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट, बड़े में शायद हाथी, सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए इन्हें ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं, क्या बोलता है? बोला, मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। अब इस बिलीव सिस्टम से होता क्या है? एटीट्यूड चेंज होता है, एक्शन बदल जाता है। हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा, एनकाउंटर हुआ, आंखों का आमना सामना हुआ। अब हाथी ताकतवर है कि शेर? कॉमन सेंस देखो, हाथी ताकतवर है। अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं शेर कभी खड़ा हो सकता है। उस सूंड में लपेट के फेंक दे तो शेर हमसे 100 फुट दूर जाए, लेकिन हाथी को ऐसा लगता ही नहीं। जब दोनों आमने सामने देखते हैं तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है, ईटर, ये खाएगा। उसके थॉट प्रोसेस में क्या रहता है? अब शेर ने जैसे हाथी को देखा, उसके थॉट में भी आता है, लंच, मैं इसको खा सकता हूं। तो जो जैसा सोचता है वैसा ही एक्ट करता है। हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और शेर अटैकिंग। लेकिन हाथी क्या शेर से ताकतवर नहीं है? तो जवाब है, है। लेकिन वो ऐसा फील करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले एक साल में रूल कर सकते हो, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा। यू कैन रूल द मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। मैं दावा दे सकता हूं आपको, ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए। बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर, दैट्स इट। मैं आपको बता दूं, अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि इस बाहर लीला में 100 हाथी घूम रहे हैं, तुमको टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अनाउंसमेंट हो जाए, एक शेर आ गया है बाहर, तुम्हारे दरवाजे बंद, साला बंद कर, 100 हाथी से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हें। और ठीक है, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर। तो डोंट बी एलिफेंट, बी ए लायन लेडीज एंड जेंटलमैन। जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाए यार।